अस्सलाम वालेकुम। आज लाइव मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी अफ़गानी अंडा करी की रेसिपी बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनके तैयार होती है ये रेसिपी। तो एक बार आप लोग भी इस अफ़गानी अंडा करी को ज़रूर ट्राई करें बिल्कुल मेरे तरीके से। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 5 उबले हुए अंडे ले लिए हैं। अंडों पे दोनों तरफ से कट लगा लेना है बिल्कुल इस तरह से। तो सारे अंडों पे मैंने इसी तरह से कट लगा लिए हैं। इसके बाद एक फ्राई पैन लेना है और इसमें रिफाइंड ऑयल डालना है आधा चम्मच के करीब। इसके बाद एक एक करके अंडे को डालना है। अंडों को 1 मिनट तक अच्छी तरह से तेल में फ्राई कर लेना है। इसके बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो करना है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालना है, 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालना है और बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालना है। गैस का फ्लेम स्लो ही रखना है, नहीं तो मसाले जल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि अंडों पे मसालों की अच्छी सी कोटिंग आ जाए। तो अंडों पे अच्छा सा कलर आ गया है तो बस इसे निकाल लेना है एक प्लेट में। फ्राई पैन को साफ कर लेना है। इसके बाद इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देना है। तो 1/2 चम्मच के करीब इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। 2 मीडियम साइज की प्याज डाली है, रफली कट किया है मैंने प्याज को। प्याज को पहले 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। तो प्याज को फ्राई करते हुए 1 मिनट हो गया है, प्याज हल्की से सॉफ्ट हो गई है। इसमें 12 से 15 काजू डाल देना है, इसे भी 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसमें 6 से 7 हरी मिर्च डाल देना है, इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। नमक डाल देना है, तो नमक यहाँ पे मैंने सिर्फ 1/2 चम्मच डाला है। अच्छी तरह से मिक्स करना है इन सारी चीज़ों को सॉफ्ट होने तक। इसके बाद इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं। मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो करना है और ढक के इसे 5 से 7 मिनट पका लेना है। तो 5 से 7 मिनट हो गए हैं, ढक्कन को मैंने हटा लिया है। गैस का फ्लेम फास्ट करना है और इसमें थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पानी है इसे ड्राई कर लेना है। इसके बाद गैस का फ्लेम बंद करना है, इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेना है। जब ये सारी चीज़ें ठंडी हो जाए तो इसे मिक्सर के जार में डालना है और इसमें 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया भी डालना है। तो यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया डाला है, इसे ढक के पीस लेना है, यानी इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। तो पेस्ट बनके तैयार हो गया है, बिल्कुल इस तरह से रहना चाहिए ये पेस्ट। अब इस पेस्ट को या तो फिर आप कटोरी में निकाल लें या तो फिर एक प्लेट में निकाल के साइड में रख दें। इसके बाद मैंने वही फ्राई पैन का इस्तेमाल किया है जिसमें मैंने प्याज, काजू और हरी मिर्च को पकाया था। आप चाहें तो फ्राई पैन को साफ कर सकते हैं। इसमें 1 चम्मच भर के रिफाइंड ऑयल डालना है और 1 चाय के चम्मच के बराबर मक्खन डालना है, 3 से 4 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 2 छोटे तेज़पत्ते डाल के अच्छे से फ्राई कर लेना है। अगर आपके पास तेज़पत्ता बड़ा है तो आप 1 ही तेज़पत्ता डालें। अच्छे से कुछ सेकेंड्स के लिए इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लेना है। गैस का फ्लेम स्लो रखना है, नहीं तो मक्खन जल सकते हैं। इसके बाद इसमें मसाला डाल देना है जो हमने बना के रखा था, यानी जो पेस्ट हमने पीस के रखा था, इसे डाल देना है। अब जो बर्तन में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ है, पानी डाल के अच्छी तरह से इसे खंगाल के इसमें मसाले में डाल देना है। मिक्स करना है।
मिक्स करने के बाद इसमें बेसिक से मसाले ऐड करना है, जैसे कि 1.5 चम्मच धनिया पाउडर है, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर है, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर है, 1/2 चम्मच ही गरम मसाला पाउडर डालना है, नमक डालना है टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि हमने पहले भी नमक का इस्तेमाल किया था, इसके लिए नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मिक्स करना है इन सारी चीज़ों को। जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो गैस का फ्लेम हमने स्लो ही रखा था, ढक के स्लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट पका लेना है ताकि मसाले अच्छी तरह से पक जाए। तो 5 से 7 मिनट हो गया है, देखिए तेल ऊपर आ गया है, मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं, बस इसे 1 से 1.5 मिनट तक भून लेना है अच्छी तरह से। 1 से 1.5 मिनट अच्छे से भूनने के बाद इसमें 1/2 कटोरी दही डाल देना है। जितना दही लिया था उतना ही फ्रेश क्रीम डालना है, यानी अमूल फ्रेश क्रीम डालना है। आप चाहे तो दूध की मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर से गैस का फ्लेम स्लो करना है, ढक के 5 मिनट पका लेना है इसे। तो 5 मिनट हो गए हैं, देखिए तेल ऊपर आ गया है, तो ये सारे मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं। इसके बाद इसमें 1/2 ग्लास के बराबर पानी डालना है, मिक्स कर लेना है। दो से तीन हरी मिर्च डाल देना है बीच में से कट करके, तीखा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो अंडे को हमने तल के रखा था यानी फ्राई करके रखा था इसे डाल देना है। अंडे को मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ढक के गैस का फ्लेम स्लो करना है और 5 मिनट पका लेना है। तो 5 मिनट हो गए हैं, अंडे अच्छी तरह से पक गए हैं मसाले के साथ में। अब गैस का फ्लेम बंद करना है और इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। प्लेट में निकालने के बाद मैंने इस पे 1 चुटकी के बराबर रेड चिली पाउडर डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, पूरी तरह से आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी अफगानी अंडा करी बनके तैयार हो गई है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें बिल्कुल मेरे तरीके से। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी अगली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो रखिएगा अपना खूब सारा ख्याल, मिलते हैं किसी अगली रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।